दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास एक ये मोटर का ढक्कन है, ये हमारी किकर की मोटर है जिसके हमारा जो ढक्कन है इसकी सीटें ढीली हो गई है। तो जब पहली बार सीट ढीली होती है आप इसमें सेंटर पंच लगा कर भी काम चला सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें हम सेंटर पंच के थ्रू इसमें कट लगा ले रहे हैं ताकि हमारा ढक्कन टाइट हो जाए इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, आपको मैं दिखाता हूँ करीब से। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी जो बैरिंग सीट जो ढीली होती है तो उससे हमारा रोटर रगड़ सकता है और हमारी मोटर चल सकती है। इस तरीके से आपको इसमें सहले सेंटर पंच लगा लेने हैं, कोई नुकीली चीज़ से, कोई आपका ले लेना है लोहे का और इसमें नुकीला बना लेना आगे, और हथौड़ी के थ्रू आप इसको सेंटर पंच लगा सकते हैं इसमें। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से। चलिए आपको मोटर दिखा देता हूँ। ये है हमारी मोटर जो किकर की मोटर है, ये हमारे गन्ने काटने की काम करती है। और ये इसका बैरिंग है हमारा, ये मेड इन फ्रांस है हमारा, ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेड इन फ्रांस बैरिंग है हमारा, और जिसका हमारा बैरिंग नंबर है 6314C3, ये हमारा बैरिंग नंबर है इसका। आगे चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये आगे हमारी इसमें रोलर बैरिंग होती है, इसमें रोलर वाली गोली पड़ी होती है इसमें बैरिंग में। ये देख सकते हैं आप, इसमें बैकटॉल करना और वाइनिश करना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे हमारी वाइंडिंग अच्छी रहती है, नहीं रहती है, और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये हमारी देखिए SKF की रोलर बैरिंग है जिसका मॉडल नंबर है NU 316। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी वाइंडिंग है इसकी, ये हमारी मोटर, ये देख सकते हैं आप, इस कुछ इस तरीके से दिखती है। तो इसकी जब भी आप रिपेयर करें तो इसकी वारंटी वगैरह इसकी कर देनी चाहिए ताकि इसकी हमारी लाइफ बढ़ जाती है, इससे हमारी मोटर की।